गायिका शांति विष्ट, जिन्हें हिमाचली स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, वे सभी के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। इस गहराई दिया लंबड़ाओ और इना छोरुआ जो लिया समझाई जैसे गीत उन्होंने दिल से गाए और आज ये गीत हिमाचल वासियों के दिलों में बस गए हैं, जिन्हें कोई भुला नहीं सकता। उनके निधन से साहित्य व लोक संगीत से जुड़े कलाकारों और बुद्धिजीवियों को गहरा झटका लगा। सोलन में भी उनके निधन पर शोक की लहर देखी जा रही है। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और समाज सेवी कुल राकेश पंत ने कहा कि हिमाचली स्वर कोकिला गायिका शांति विष्ट आज हमारे बीच नहीं है, जिसके चलते समस्त हिमाचलवासी बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि गायिका शांति विष्ट ने हिमाचली के साथ साथ हिंदी, पंजाबी, मराठी और तेलुगु भाषा में गीत गाकर सभी को हैरान कर दिया था और उन्होंने उस समय में गीत गाना आरम्भ किया था जब महिलाओं पर काफी बंदिशें थी, लेकिन उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की और अपनी कला का डंका भी बजाया। यही वजह रही कि हिमाचल की अन्य महिलाओं को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा मिली और आज हिमाचल की महिलाएं उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। देखिए, शांति विश्व जो थी, उनके निधन की खबर जो है उसको सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। ऑल इंडिया रेडियो पर बहुत लंबे अरसे से हम उनको सुनते आ रहे थे और उनका एक मशहूर गीत काली घघरी ले आया हूँ, और उन्होंने पहाड़ी के अलावा बंगाली, मराठी, तमिल में भी भाषा में भी गीत गाए हैं और उनको कोकिला अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। और उस जमाने में, जिस जमाने में लेडीज़ का गाने के लिए घर से बाहर निकलना, साधारण परिवार से निकली हुई ये स्त्री आई और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, जो सबसे बड़ा उस जमाने का माध्यम था, और अपने संगीत स्वरों से उन्होंने लोगों को खूब आनंदित किया। आज वो हमारे बीच नहीं है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनकी जो वाणी है वो हिमाचल की हसीन वादियों में सदा गूंजती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।